नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश लाइव में। मैं हूँ आपके साथ तनीषा जैन। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। शीतकालीन सत्र में 3 नए क्रिमिनल विधेयक लोकसभा में चर्चा के बाद हुए पास, अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारे जाने के मामले में NDA के सभी सांसदों ने राज्यसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान खड़े रहकर प्रदर्शन किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के कारण अमेरिका और भारत के रिश्तों में तनाव आ गया था, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कुछ घटनाएं अमेरिका और भारत के रिश्तों को बेपटरी नहीं कर सकती। संसद में TMC सांसद कल्याण बैनर्जी ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर जानकारी दी कि पीएम मोदी ने मुझे फोन किया था, उन्होंने कुछ सांसदों के संसद में आपत्तिजनक व्यवहार को लेकर दुख जताया। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन में शेयर बाजार करीब 1.5% फिसला। सेंसेक्स 930 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 302 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनावत की राजनीति में होगी एंट्री। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से लड़ेंगी चुनाव, एक्ट्रेस के पिता ने किया कन्फर्म। 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का हुआ ऐलान, जिसमें मोहम्मद शमी समेत 26 एथलीट्स को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान खेल रत्न अवार्ड इस साल बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिलेगा। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म डंकी के प्रमोशन के लिए दुबई पहुंचे थे। बता दें कि फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एडवांस बुकिंग के मामले में प्रभास की फिल्म सलार ने शाहरुख खान की फिल्म डंकी को छोड़ा पीछे। आज की खबरों में इतना ही। अन्य मुख्य समाचारों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश लाइव। नमस्कार।